मेरे टाइम में तो अटैक ही करवाया था, मेरे को ये डर है कहीं एक दो मर्डर ना कर दें एक दूसरे का, पर लीक होते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है और ये जानबूझ करके किए जाते हैं, होते नहीं है ये, तो ये दावों के परे है जो सच्चाई है। सीएम साहब दावा करते हैं कि 1,08,000 नौकरियां दी है जो पहले कभी किसी सरकार ने नहीं दी। अभी भी करीबन 2,00,000 नौकरी तो अभी भी खाली हैं, वो क्यों नहीं दी? 19 के बाद जो PGT टीचर्स हैं उनकी भर्ती नहीं हुई, जिनको मुख्यमंत्री जी 7-8 महीने पहले खुद फ़ोन करके ट्विटर पे बधाई देते हैं कि आपको बधाई हो बेटी नाम लेकर के, आज वो भर्ती रद्द होगी, उस बेटी को नौकरी नहीं मिली। और ऐसे ही मैं समझता हूँ कि बार बार ये जो पेपर लीक होते हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है और ये जानबूझ करके किए जाते हैं, होते नहीं है ये, तो ये दावों के परे है जो सच्चाई है, और इसीलिए लोग सड़कों के ऊपर हैं। मैं तो यही कहूँगा, जैसे किसान मजदूर ने मिलकर के अलग अलग समय पर, चाहे वो जब 3 अध्यादेश पारित करे उस सरकार ने, तब का मामला हो या कभी भी एट्रोसिटी का मामला हो, लोग सड़कों पे उतरे हैं, जब तब सरकार पीछे हटी है। आने वाले समय में ये नौजवानों के मुद्दे पर सभी समर्थन दें, सारी राजनीतिक पार्टी अपनी जिम्मेदारी समझे, यही मैं उनसे आह्वान करूंगा और लड़ाई मजबूती से लड़ें। जो साल है वो शुरू हो चुका है, कांग्रेस और BJP लगातार जो है रैलियां कर रही है, आज भी BJP की रैली है, क्या आम आदमी पार्टी भी जो है हरियाणा के अंदर बड़ी रैली करेगी? नहीं, आम आदमी पार्टी तो करने में लगी हुई है, अभी तिरंगा यात्रा जींद के अंदर अरविंद केजरीवाल जी आए थे, वहाँ हजारों की संख्या में लोगों ने उनका स्वागत भी किया और उनके विजन को, उनके दृष्टिकोण को, जो वो करना चाहते हैं हरियाणा के लिए, उन्होंने आह्वान किया कि हरियाणा उनकी जन्मभूमि है, वो इसके लिए कुछ करके दिखाना चाहते हैं, सब लोग साथ दें आगे बढ़ें। तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे जो संगठन निर्माण का हमारा कार्य है वो जल्दी पूरा होगा, और लोग तो अभी भी जो है लड़ने झगड़ने में ही लगे हुए हैं। मेरे टाइम में तो अटैक ही करवाया था, मेरे को ये डर है कहीं एक दो मर्डर ना कर दें एक दूसरे का, तो ऐसे लोगों से ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए हमें। और अब आने वाले समय में विपक्ष और विकल्प दोनों धीरे धीरे आम आदमी पार्टी बन करके उभरेगी, नया नेतृत्व इस हरियाणा को देने का काम करेगी 2024 में, उसी की तैयारियों में हम सब लोग लगे हुए हैं।